सर एक सेकंड। कांड का तकनीकी अनुसंधान कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है बंटी कुमार, पिता जितेंद्र सिंह। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो अपाची है उसको भी बरामद किया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर जिले के क्षेत्र में लगातार इन दिनों चैन छिनंती और मोबाइल छीनने की घटना हो रही है और लगातार ये अपराधी बेलगाम घूम रहे हो। प्रशासन नाम का डर इनमें नहीं था, लेकिन पुलिस ने टीम विशेष टीम गठित कर इनके गिरोह को पकड़ लिया और पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि दरअसल एक सरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की मोबाइल छिनौती की गई, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज के आधार पर एक टीम विशेष टीम गठित किया गया, जिसमें गठन करने के बाद छापेमारी की जाने लगी। छापेमारी करने के बाद पुलिस ने चैन छिनौती गिरोह को जो मेन है उनके लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता किया, आगे क्या कुछ कह रहे हैं आइए पहले सुनिए। जो बिसरपट्टी के पास से संतोष कुमार पिता सियाराम प्रसाद का मोबाइल छीन लिया गया था, जिस संबंध में सरैया थाना में कांड संख्या 247-23 दर्ज किया गया था। कांड का तकनीकी अनुसंधान कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है बंटी कुमार, पिता जितेंद्र सिंह। दूसरे का नाम है बीकी कुमार, पिता शिवचंद्र राम। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से कुल 3 मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें एक मोबाइल छीना हुआ है और 2 मोबाइल भी छीना हुआ है। उस मोबाइल के मालिक का पता किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो अपाची है उसको भी बरामद किया गया है और इनका कोई आपराधिक पता किया जा रहा है। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर SDPO क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार जिले में चैन छिनौती और मोबाइल की घटना हो रही थी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सरैया थाना क्षेत्र में एक युवक की मोबाइल चोरी हो गई थी, छीना गया था, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विशेष टीम गठन करके छापेमारी की गई। छापेमारी करने के बाद चैन छिनौती के गिरोह को मेन संगठन को पकड़ लिया गया है, जिसको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।